नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे उसको। फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा जोड़ा हमारा यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ सिटीज़ के नाम है और कुछ रिवर्स हैं उससे संबंधित, या कह लीजिए वो सिटीज़ उसके बैंक पे हैं। तो अगर हम बी वाला ऑप्शन देखें, ठीक है, तो भुवनेश्वर जो हमारा यहाँ पे है इसके लिए अगर महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है कुआखाई, ठीक है, तो ये वाला पेयर हो जाएगा इसके लिए। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है, बाकी सब ठीक है। अगला देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल है जो मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, ठीक है, नॉट लोकेटेड अलोंग मंदाकिनी रिवर। तो गोविंद घाट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है कि लेह की लोकेशन आपको बतानी है, लेह अवस्थित कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे ना, जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी है और फिर इधर लद्दाख है, ठीक, तो यहाँ पे अगर इंडस रिवर देखेंगे आप, सिंधु नदी, ठीक है, तो इसके दाएं तट पे आपको मिलेगा ऑन द राइट हैंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले में आपको नासिक की सिचुएशन बतानी है, ठीक है, नासिक जो शहर है तो उसकी स्थिति कहाँ पे है। तो ये है गोदावरी नदी के बैंक पे, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। अगले हम देखते हैं कि द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज़ नोन एज, ठीक है। तो जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, रफली ड्रॉ करते हैं तो इधर देखेंगे आप तो ये तमिलनाडु है, ठीक है। तो जो ये कोस्ट लाइन है सी वाली, दिस इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। और इधर वाली देखेंगे आप, ये नीचे इधर का क्या नाम है, कर्नाटक से लेकर इधर केरला की स्थिति, तो दिस इज़ मालाबार कोस्ट। और उसके ऊपर देखेंगे तो ये है आपका कोंकण कोस्ट, ठीक है। तो हमारा इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी वाला। अगला देखिए कि कुट्टानाड है ना, केरल का कुट्टानाड या फिर उसको कुट्टानाडु भी बोलते हैं, तो यह किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जैसे इंडिया का ये कोस्ट है, ठीक है, तो ये केरला वाला कोस्ट, तो यहाँ पे कुट्टानाड जो है, ठीक है, तो ये फेमस है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के रूप में, ठीक है। और ये विश्व के कुछ ऐसे स्थलों में है जहाँ पर अराउंड 4 से 10 फीट, ठीक है, और ऑलमोस्ट 1 to 3 meters जो हमारा सी लेवल है उससे नीचे जो है खेती की जाती है, ठीक है। तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाएगा ये, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। अगला देखिए कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। तो ये इंडिया हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये रामेश्वरम जो है, ठीक है, ये इसके दोनों के बीच में है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि द मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ इंडिया इज, ठीक है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप इनमें से कौन सा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सालसेट, ठीक है। सालसेट है कहाँ पे, तो जो महाराष्ट्र का स्टेट है, ठीक है, सालसेट वहाँ पे है वेस्टर्न साइड में, और जो मुंबई का थाने वाला रीजन है, ठीक है, वो सालसेट आइलैंड में है। और बोरीवली नेशनल पार्क, ठीक है, जिसको आप संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो भी ये सालसेट आइलैंड में है, तो ये करेक्ट हो गया। और ये मोस्टली पॉपुलेटेड आइलैंड है इंडिया का, और मुंबई जैसे जानते ही हैं आपकी, मुंबई इज़ अ 7 island city। तो ये कुछ फैक्ट दिखा हमने इसके बारे में, अगला देखेंगे। निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, ठीक है। तो इधर नीचे आप इंडिया के देखेंगे तो यहाँ पे कन्याकुमारी के अगर हम पास देखें, ठीक है, तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जिसमें इधर बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और ये अरेबियन सी वाला कह लीजिए रीजन हो गया, ठीक है। तो हमारा ये कन्याकुमारी इसके लिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट ग्लेशियर, ठीक है, तो
हिमनद जो सबसे बड़ा है ये है सियाचिन, ठीक है, ये इधर ऊपर लद्दाख के रीजन में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फुलहर लेक इज सिचुएटेड, ठीक है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जो जिला है, ठीक है, वहाँ पे ही आपको फुलहर लेक मिलेगी, और इसको दूसरे नाम से गोमद ताल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गोमद ताल, ठीक है, फुलहर ताल कह लीजिए। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया इसके लिए। अगला देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का, अब यहाँ पे कौन सा नंबर का बड़ा राज्य है, ठीक है, तो जैसे भारत में जितने भी 28 राज्य हैं, ठीक है, तो रैंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें जो इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो उत्तराखंड इज ऑन द 19th प्लेस, ठीक है, तो 19वां करेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहला आपको पता है कि सबसे जो बड़ा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो है राजस्थान, सबसे छोटा हो जाएगा हमारा गोवा, और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी आप देखेंगे तो लक्षद्वीप हो जाएगी। और अगर आपसे कभी पूछ ले कि सबसे बड़ा कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इंडिया का, तो वो है कच्छ, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स, तो उत्तराखंड के लिए ये 19th वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उत्तराखंड से लगी नेपाल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर की है, ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेपाल बॉर्डर विद उत्तराखंड, ठीक है, तो दिस इज 275 किलोमीटर्स, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, मुझसे जैसे गलत क्लिक हो गया बट दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, ठीक है, तो द एरिया ऑफ उत्तराखंड इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 1.69%, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक नैनीताल में नहीं स्थित है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन नैनीताल, तो खुरपाताल, भीमताल, सड़िया ताल, ठीक है, दीज आर इन नैनीताल बट श्याम ताल इज इन चंपावत, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रुद्रप्रयाग में नहीं स्थित है, ठीक है, अब नॉट लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग, तो ये हो जाएगा सुखताल, ठीक है, दिस इज इन नैनीताल, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। उत्तराखंड राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ठीक है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश, सो दीज आर 5 डिस्ट्रिक्ट्स, और इसको आप मैप में लोकेट कर लें एक बार, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया यहाँ से। अगला है टिफिन टॉप उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है, तो ये है आपका नैनीताल में, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है, ठीक है, उदय शंकर नृत्य एंड नाट्य अकादमी, इसको ध्यान से देख लीजिए, और ये है आपका अल्मोड़ा के अंदर, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। शंकर गुफा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, वेयर इज शंकर गुफा लोकेटेड, तो ये है आपका देवप्रयाग के अंदर, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में, ठीक है, राजीव गांधी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी जो है ये है आपका टिहरी में, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला 1968 में, ठीक है, और इनको पद्म भूषण भी मिला था, ठीक है, ये मिला था 1961 में, ठीक है, और ये काफ़ी फेमस पोएट थे 20th सेंचुरी के, और काफ़ी इनकी जो पोएम्स वगैरह थी नेचर से काफ़ी इंस्पायर हुआ करती थी, तो इस क्वेश्चन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा इसके लिए फर्स्ट वाला। अगला देखिए कि रुड़की छावनी की स्थापना जो है कब की गई थी, वेन वॉज रुड़की कैंटोनमेंट इस्टेब्लिश्ड, सो ये ईयर था 1853, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि तुबेरा और तिमली किस राज्य की भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, ठीक है, तुबेरा एंड तिमली आर द फोक सॉन्ग्स ऑफ भोटिया ट्राइब, ठीक है, तो
तो एक फैक्ट ये ध्यान रखें कि भोटिया टाइप संबंधित है आपका उत्तराखंड से, और इस क्वेश्चन के लिए भी करेक्ट हो जाएगा कि ये फोक सॉन्ग्स जो हैं तुबेरा और तिमली उत्तराखंड से, यहाँ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका, भोटिया ट्राइब से रिलेटेड है। अगला देखते हैं, कंडाली नामक उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो कंडाली जो है ये हो जाएगा रंग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रंग ट्राइब। उत्तराखंड में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस स्कीम 108 वॉज लॉन्च्ड इन 2008, तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। प्राचीन काल में मायापुरी या गंगा द्वार के नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, मायापुरी या फिर गंगा द्वार, तो ये जानते थे हरिद्वार को, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए कि श्री पूर्णागिरी मंदिर जो है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका चंपावत में, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास यानी कि सीजनल माइग्रेशन जो है किया जाता है? तो ये करते हैं भोटियाज, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि उत्तरांचल के किस स्थान को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उत्तरांचल लिखा हो या फिर जैसे कि स्टेट बनने के टाइम पे उत्तरांचल नाम था, फिर 2007 में इसका नाम जैसे चेंज करके उत्तराखंड हो गया, ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि यूके की उत्तराखंड की पहाड़ों की रानी किसको बोलते हैं, तो ये है मसूरी, ठीक है, देहरादून के अंदर, तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय जो है कब हुआ? ठीक है, व्हेन डिड टिहरी स्टेट मर्ज विद द इंडियन यूनियन, तो ये था 1949, इंडिपेंडेंस के बाद, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। दक्षेस यानी कि जिसे आप सार्क कहते हैं, तो इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? 8 दिसंबर 1985 में जो सार्क का डिक्लेरेशन है कह लीजिए, सार्क का चार्टर सॉरी, उस पर साइन होने के बाद ये फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आया है ना। पूरा नाम इसका है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, और अभी वर्तमान में देखें इसके तो जो स्टेट्स इसके मेंबर्स हैं, कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और इसका अगर आप देखें कि सेक्रेटेरिएट जो है ना मुख्यालय, तो ये है आपका काठमांडू में, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप मतलब किया गया 1987 के अंदर, तो ऑप्शन हमारा फिलहाल ये यहाँ पे करेक्ट हो गया इसके लिए। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई? इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में, ठीक है, और अभी इसको 2012 में बंद कर दिया गया है, ठीक है, तो जितनी भी हमारी कह लीजिए सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज थी उनको रिहैबिलिटेशन के लिए है ना फंड वगैरह दिए जाते थे, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से इसके लिए। भारत में न्यूनतम कम आय वाला राज्य कौन सा है? विच इज़ द लोएस्ट इनकम स्टेट इन इंडिया, तो इनकम वाइज देखेंगे अगर तो बिहार जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है, या फिर उसका शुगर केन का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा इंडिया में किस स्टेट में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड से सटे हुए जिले भी शामिल हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई थी? ठीक है, व्हेन वाज द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इम्प्लीमेंटेड, तो ये हो गया आपका 1997, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, हेडक्वार्टर्स ऑफ एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये है आपका फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको सेबी कहते हैं आप, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय निर्यात आयात बैंक है ना, एग्जिम बैंक जिसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई? तो ये किया गया 1982 में, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखें कि व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, तो WTO जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो विश्व व्यापार संघ संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है इनमें से किस संस्थान के द्वारा, ठीक है, तो ये करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। विश्व बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन DC में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के अंदर वियना में, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ओपेक का जैसे फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, तो ऑप्शन हम बी चूज कर लेते हैं यहाँ पे। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ILO का हेडक्वार्टर है आपका जिनीवा स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ दिए हुए सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, तो इसके लिए आप करेक्शन यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक, ILO का हेडक्वार्टर, और ILO जो स्टैब्लिश हुआ था ये 1 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था इंडिया में, तो ये फर्स्ट टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ 1969, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। लिस्ट एक बार आप देख लें कि वो 14 बैंक कौन से थे। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है, ADB की बात हो रही है यहाँ पे, 1966 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, LIC इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, किस ईयर में, तो दिस वाज स्टैब्लिश्ड इन 1956, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिए फिर से, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।